हेलो माय ग्रीम गेम फैमिली, आज है डे 7 और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेल आर्ट टूल विद नेम्स। अभी तक मैंने आपके साथ टोटल 6 क्लासेस शेयर करी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाइए और उन क्लासेस को भी देखिए। फर्स्ट टूल है डॉटिंग टूल। डॉटिंग टूल से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। डॉटिंग टूल से आप कैसे आर्ट क्रिएट कर सकते हैं इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। सेकेंड टूल है स्ट्रिपिंग टेप। स्ट्रिपिंग टेप भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इससे आर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे आर्ट क्रिएट कर सकते हैं ये भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, तो आप जाइए उस वीडियो को भी देखिए और उसकी हेल्प से आप जो है नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड टूल है स्किन डिफेंडर। अगर आप वाटर मार्बल नेल आर्ट करते हैं या ओम्ब्रे नेल आर्ट करते हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे जो आपकी नेल की आसपास की स्किन है वो ख़राब नहीं होती है। फोर्थ टूल है पेंटिंग जेल। पेंटिंग जेल से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी आपके नेल आर्ट को एक बहुत ही अच्छा जो है लुक मिलता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। फिफ्थ टूल है स्पाइडर जेल। स्पाइडर जेल नेल आर्ट भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट जो है वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी आइडिया मिल सके कि आप कैसे स्पाइडर जेल आर्ट का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है लुक अपने नेल का क्रिएट कर सकते हैं। सिक्स्थ है नेल आर्ट स्टिकर। नेल आर्ट स्टिकर भी जो है आपकी नेल आर्ट को एक बहुत ही डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी आर्ट ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो आप स्टिकर का यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल लगते हैं और बहुत ही ईजीली स्टिक हो जाता है, इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है। सेवन्थ है लूज़ ग्लिटर आर्ट। लूज़ ग्लिटर आर्ट से भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो आर्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो जाइए चैनल पर और जाकर वो वीडियो देखिए। एट्थ है राइनस्टोन। राइनस्टोन आर्ट भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और ब्राइड के लिए अगर आप आर्ट करते हैं तो राइनस्टोन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि राइनस्टोन जो होते हैं बहुत ही ब्राइट होते हैं और अलग अलग शेप में आते हैं, अलग अलग साइज़ में आते हैं, सो ये आपके नेल आर्ट को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है। नाइन्थ है पर्ल। पर्ल भी जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के और साइज़ के आते हैं और इससे भी अगर आप आर्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। पर्ल आर्ट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टूल है ट्वीज़र्स। इससे आप किसी भी राइनस्टोन को या किसी भी फ्लावर्स को, 3D फ्लावर्स को जो इजीली पिक कर सकते हैं, सो ये टूल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नेल आर्ट कर रहे हैं और बिगनर्स है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट है टॉप कोट और बेस कोट। अभी तक हमने जितनी भी आर्ट करी है आपने देखा होगा उसमें टॉप कोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेस कोट हम नेल पिन के नीचे अप्लाई करते हैं और टॉप कोट को टॉप पर अप्लाई करते हैं, सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट आपके पास कुछ बेसिक नेल पॉलिश होनी चाहिए, लाइक ब्लैक, वाइट, डस्की पिंक, रेड, ये कुछ ट्रेंडी शेड्स है जो आपके पास डेफिनेटली होने ही चाहिए। नेक्स्ट है LED लैम्प। अगर आप जेल पेंट यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा आपकी जो नेल पेंट है वो ड्राई नहीं होगी। नेक्स्ट टूल है सॉफ्ट स्पॉन्ज। सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से आप जो है ओम्ब्रे नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हो और ओम्ब्रे नेल आर्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आप जो है आर्ट इसमें क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है कैवियर बीट्स। ये बहुत ही ब्राइट बीट्स होते हैं और बहुत ही शाइनी होते हैं, ये भी नेल आर्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इससे भी जो नेल आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है नेल आर्ट ब्रश। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि नेल आर्ट ब्रश हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है और जितना थिन हो सके वो यूज़ करना है, जिससे हम जो भी आर्ट ड्रॉ करेंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। फ्लावर्स हो या कुछ भी हो, इन ब्रश से हम बहुत ही ईजीली जो है क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है क्यू टिप्स। अगर आपके पास
डॉटिंग टूल नहीं है तो आप क्यूटिप्स का भी यूज़ कर सकते हो और अपने नेल के कॉर्नर को भी क्लीन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नेल आर्ट में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो चैनल पे बनी रहिए और ये एक्साइटिंग नेल आर्ट मैं आपके साथ जल्दी लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।